आज मैं आया हूँ राजस्थान कोटा, माँ त्रिकुटा देवी के दर्शन करने। वैसे तो कोटा शहर जो खूबसूरती के लिए जाना जाता है। वीडियो शुरू करने से पहले कोटा की खूबसूरती की कुछ झलकें दिखाना चाहूँगा मैं, जो मैंने अपने फ़ोन में रिकॉर्ड की है। कोटा नयापुरा से मात्र 5 किलोमीटर की दूरी पे और बूंदी नेशनल मार्ग पर माँ त्रिकुटा वैष्णो देवी का है ये मंदिर। मंदिर में एंट्री करते ही ये रेल का डिब्बा आपको ऐसी फील करवाएगा जैसे आप अभी अभी कटरा स्टेशन पे उतरे हो। नमस्ते, सलाम, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल। जो लोग किसी कारणवश जम्मू कटरा नहीं जा सकते उनके लिए ये वीडियो बड़े काम का है। मैं आया हूँ आज कोटा राजस्थान माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने, जो पिछले 12 सालों से बन रहा था अब बनके तैयार हो गया है, जो हूबहू माँ वैष्णो देवी मंदिर जम्मू कटरा जैसा ही बना है। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो कर दीजिए लाइक, और अगर नए हो मेरी चैनल पे तो प्लीज कर दीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर जूता घर और लॉकर रूम बनाया गया है, जहाँ पर हमें अपना फोन जमा करवाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से आगे फोटोग्राफी अलाउटेड नहीं है। फिर भी कुछ झलकें शेयर करना चाहूँगा मैं, ताकि आपको इसकी भव्यता के बारे में जान सके। यहाँ से शुरू होती है माता रानी की कठिन चढ़ाई। रास्ते में आपको बड़ी खूबसूरती से बनाए गए 15 पॉइंट नजर आएंगे जो जम्मू कटरा में नजर आते हैं। प्राकृतिक खूबसूरती के बीच में बैठी माँ वैष्णो देवी और शिखर के टॉप पे विराजमान है बाबा भैरवनाथ जी। यहाँ पर आपको नजर आएंगे प्राकृतिक खूबसूरत झरने। 25,000 मीटर की इस यात्रा में 15 पॉइंट दिए गए हैं, जिसे घूमने में आपको लगेंगे 2 से 2.5 घंटे। बाय रोड अहमदाबाद से कोटा की दूरी है 576 किलोमीटर की, जिसे तय करने में आपको लगेंगे 9 घंटे। आप आना चाहते हैं जयपुर से, जिसे गुलाबी नगरी के नाम से भी लोग जानते हैं, तो उसकी दूरी है 252 किलोमीटर की, उसे तय करने के लिए भी लगेंगे आपको 4 से 4.5 घंटे। 25,000 मीटर की यात्रा वाले इस मंदिर को बनाने में तकरीबन 12 साल लगे हैं और अब 11 नवंबर 2021 से ये आम जनता के लिए खुला है। माँ वैष्णो देवी के इस मंदिर में एंट्री करने के लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे अपनी जेब से 60 रुपये। पिछले 12 साल से राजस्थान और कोटा के चुनिंदा कारीगरों की कड़ी मेहनत और लगन से खड़ा हुआ है ये भव्य माता रानी माँ वैष्णो देवी का मंदिर। राजस्थान के रोहड़ा परियों ने इस मंदिर को बनाया है। माँ वैष्णो देवी की यात्रा जो एक पवित्र यात्रा मानी जाती है, जो लोग जम्मू नहीं जा सकते वो यहाँ पर आकर वही आनंद ले सकते हैं और माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर सकते हैं।
कोलकाता में जिस तरह से कैंटीन बनी हुई है वैसी ही कैंटीन यहाँ पर भी बनाई जा रही है। अभी कैंटीन का काम फिलहाल चालू है ताकि भक्तजन आराम से यहाँ पर चाय और नाश्ता कर सके। भक्तजनों के लिए यहाँ पर विश्राम गृह भी बनाया गया है जो एक बिल्कुल प्राकृतिक नजारा है। माँ के जयकारे भी यहाँ पर लिखे हुए हैं। मैं तो धन्य हो गया माता रानी के दर्शन करके। उम्मीद करता हूँ कि आपको भी खुशी प्राप्त होगी यहाँ पर आकर। अगर आपके पास अपनी कार है या कोई व्हीकल है तो यहाँ पे पार्किंग सुविधा भी उपलब्ध है। आपके पास अगर टू व्हीलर है तो यहाँ पे आपको पार्किंग के लिए खर्च करने पड़ेंगे 10 रुपए, और अगर आपके पास 4 पहिए वाली गाड़ी है तो आपको पार्किंग के लिए यहाँ पे खर्च करने पड़ेंगे 30 रुपए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे खत्म करता हूँ। फिर मिलेंगे अगले कोई नए वीडियो में।